Good morning, students. Now I'm taking some more questions of exercise 13.1 of surface areas and volumes. Question number 4 is, a cubical block of 7 cm is surmounted by a hemisphere. Ye cubical block hai, cubical means cube. Uske upar ek hemisphere surmount, yani ki upar rakha gaya hai. What is the greatest diameter of the hemisphere? सबसे बड़ा diameter hemisphere का क्या हो सकता है? वही हो सकता है जो कि cube की length है. तो greatest diameter of hemisphere is side of the cube and that is 7 cm. Find the surface area of solid. अब इस surface area of solid निकालने के लिए पहले तो ये जो 5 faces हैं cube के उन सब का area, यानी कि lateral surface area, यानी कि sides जो हैं cubes की और base. ये हो गए 5 फेसेस प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस एरिया ऑफ टॉप. एरिया ऑफ टॉप मतलब ये जो थोड़ा सा पार्ट रह जाता है ना हेमिस्फीयर से बच जाता है क्यूब के टॉप वाले फेस का वो वाला एरिया. तो लेटरल सरफेस एरिया 4l स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ बेस l स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का 2πr स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ टॉप. इस टॉप का एरिया कितना है? ये क्यूब का एरिया, ये जो स्क्वायर बनेगा इसका एरिया माइनस ये जो सर्कल हेमिस्फीयर का जो बेस आएगा, तो ये जो एरिया आएगा दैट इज एल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया इस तरीके से. इसको जब हम सॉल्व करेंगे इट विल बी 6l स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. वैल्यूज पुट कर दीजिए एंड यू गेट 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक मिलता जुलता क्वेश्चन नंबर 5 है. बस अब हेमिस्फीयर ऊपर ना रख के डिप्रेशन है, ये हेमिस्फीयर इस तरह से डिप्रेशन में निकाल दिया गया. तो उसी तरह से जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वही हो जाएगा साइड ऑफ द क्यूब दैट इज एल. तो सरफेस एरिया जो सॉलिड का वो कितना हुआ? 5 फेसेस क्यूब के जो कि अनटच्ड है इस हेमिस्फीयर से, प्लस एरिया ऑफ टॉप क्यूब का एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर. एरिया ऑफ टॉप उसी तरह एल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर और 5 फेसेस हो गए 5l स्क्वायर. अब यहाँ पे क्योंकि जो रेडियस है, देखिए डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज एल, तो रेडियस हो गया एल अपॉन 2. तो दिस गिव्स यू 6l स्क्वायर प्लस पाई इंटू एल अपॉन 2 का होल स्क्वायर. इसको आप सॉल्व करके एलसीएम लेके कैलकुलेट कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 6, एक कैप्सूल है, मेडिसिन कैप्सूल जो कि सिलेंडर है विद 2 हेमिस्फेरिकल हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ द एंड्स. एंड के ऊपर ये हेमिस्फेयर पार्ट है. नाउ द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर. तो जो डायमीटर हेमिस्फेरिकल पार्ट का होगा वही सिलिंड्रिकल पार्ट का भी होगा. तो रेडियस हो गया हाफ द डायमीटर दैट इज 5/2 मिलीमीटर. नाउ व्हाट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर पार्ट? इस सिलेंडर पार्ट की हाइट कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक? पूरा तो है 14 मिलीमीटर, उसमें से ये रेडियस हेमिस्फेयर का एक निकल गया और दूसरा यहाँ से निकल गया. दोनों हेमिस्फेयर्स के रेडियस माइनस हो गए. तो दैट इज 14 माइनस 5/2 माइनस 5/2 व्हिच गिव्स यू 9 मिलीमीटर. नाउ सरफेस एरिया इस कैप्सूल का क्या होगा? ये दो हेमिस्फीयर्स है इनका कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब 2 इनटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वन हेमिस्फीयर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर पार्ट. तो 2 इनटू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच. वैल्यूज पुट करिए यू विल गेट द आंसर. Now question number 7 is, एक टेंट है in the shape of a cylinder surmounted by a cone. Question ध्यान से पढ़िए, surmounted by a cone मतलब cone ऊपर टेंट यहाँ पर है इस तरह से सिलेंडर पार्ट. Diameter of the cylinder part and height of the cylinder ये दिया हुआ है. Height दी हुई है 2.1 और diameter दिया है 4 मीटर. तो जो सिलेंडर का डायमीटर होगा वही कोन का होगा. तो रेडियस हो जाएगा हाफ द डायमीटर. तो इन दिस वे रेडियस कम्स आउट टू बी 2 मीटर्स. और हाइट जो है सिलेंड्रिकल पार्ट की तो 2.1 आपको दी है
और 2.8 आपको डायरेक्टली स्लांट हाइट भी दी है कोनिकल पार्ट की। अब कैनवस कितना लगा इस टेंट को बनने में, अब यहाँ पे ध्यान रहेगा क्योंकि हम टेंट बोल रहे हैं तो ये सिलेंडर का जो बेस है ये तो ग्राउंड रहेगा, इसके ऊपर कोई कैनवस नहीं लगेगा और इसी तरह यहाँ पर भी कोई कैनवस नहीं लगेगा, सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये दो के एरियाज को हम ऐड करेंगे तो हमें कैनवस रिक्वायर्ड कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला है 2πRH + πRL, इसमें ये वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। यहाँ जो आंसर आएगा वो मीटर स्क्वायर में ही आएगा, उसको हमें सिर्फ ₹500 से मल्टीप्लाई करना है टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस यूज्ड इन द टेंट। आई होप दीज कैलकुलेशंस यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 8, फिगर थोड़ा सा ध्यान से समझिए। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, ये एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड मतलब भरा हुआ, उसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर है 1.4 सेंटीमीटर। अब कोनिकल कैविटी, कैविटी मतलब एक गड्ढा खोदा गया कोनिकल, ठीक है, जिसकी हाइट तो सेम है और डायमीटर भी सेम है, सेम हाइट एंड सेम डायमीटर, इज हॉलोड आउट। हॉलोड आउट मीन्स ये यहां से, अगर ये वुडन दिया हुआ है शायद, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बस हॉलोड आउट मीन्स यह आपको निकाल दिया गया है, ये जो कैविटी ये वाली जो कोन की बनी हुई है ये निकाल दी गई है, इतना कोनिकल पार्ट निकाल दिया गया, तो अब आपके पास ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया। अब इस सॉलिड का आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, आपको पता है रेडियस जो कोन का होगा वही सिलेंडर का हो गया, तो 1.4 का हाफ हो गया 0.7, हाइट ऑफ द सिलेंडर पार्ट जितनी होगी वही हाइट ऑफ द कोन होगी क्योंकि सेम हाइट बोला है, तो 2.4 सेंटीमीटर। नाउ यू कैन कैलकुलेट द स्लांट हाइट ऑफ द कोन, दैट इज h² + r² 2.4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 5.76 प्लस 0.7 का होल स्क्वायर हो जाएगा 0.49, इसको ऐड करेंगे तो 6.25 आएगा एंड दैट्स विल गिव यू स्लांट हाइट ऑफ द कोन 2.5। कैलकुलेशंस चेक कर लीजिएगा। नाउ द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड का मतलब क्या हुआ, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब यहाँ तो हॉलोड आउट है मतलब खाली है, कुछ नहीं है कोन का बेस, लेकिन सिलेंडर का तो बेस था, यहाँ तो कोनिकल पार्ट आया तो ये बेस हमें ऐड करना है, एरिया ऑफ बेस, तो 2πRH होती है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया और कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया πRL एंड एरिया ऑफ बेस इज πR²। यहाँ पे R, L और H की वैल्यूज डाल के आप ये पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में क्योंकि आपको सेंटीमीटर्स में दिया है। सिमिलर इज क्वेश्चन नंबर 9 और उसमें फिगर भी बनी हुई है। एक वुडन आर्टिकल है, इट इज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड, दोनों तरफ से हेमिस्फीयर्स निकाल दिए गए हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर आपको 10 सेंटीमीटर दी है एंड बेस रेडियस आपको 3.5 दिया है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द आर्टिकल। अब देखिए सिलेंडर का तो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा 2πRH और दो हेमिस्फीयर्स हैं तो ये एरिया आप और ऐड कर देंगे 2 × 2πR², आर आपको 3.5 दिया ही है और सिलेंडर की हाइट आपको 10 सेंटीमीटर दी है, तो ये कैलकुलेशन आप अपने आप कर सकते हैं। आई होप कुछ एक्सरसाइज 13.1 में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन आपकी ना हो पाए देन यू कैन आस्क मी एंड यू विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज 13.1 एंड देन यू विल आस्क मी द डिफिकल्टीज।